नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पेस्ट ऑफ पैडी की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेस्ट है पैडी स्टेम बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा इनसेटुलस। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है पायरेलिडी। होस्ट है राइस, मैच एंड सम वाइल्ड ग्रासेस। इसके जो लार्वा होते हैं वो प्लांट्स में स्टेम की नोड्स के पास बोर करते हैं। फील्ड में जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये 80-95% क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मींस लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें फीमेल प्यूपा से एमर्ज होने के बाद क्लस्टर्स में 15-80 एग्स देती हैं, जो कि येलो कलर के हेयर से कवर्ड होते हैं। एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 150 एग्स देती है। 5-6 डेज बाद एग से हैच होकर के लार्वा निकलते हैं और इससे जो लार्वा निकलते हैं उन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। इनमें 6 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वल पीरियड 15-35 दिन का होता है। फुली ग्रोन लार्वा 20 mm लॉन्ग येलोइश वाइट कलर का होता है और हेड इसका डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये लार्वा विंटर में डायपस कंडीशन में चला जाता है, मींस इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है और डायपस कंडीशन मार्च के मंथ में ख़त्म होती है। अब प्यूपेशन की प्रोसेस होती है जिसमें प्यूपा बनता है। ये प्यूपा सिल्क के थ्रेड से कवर्ड होता है। प्यूपा की प्रोसेस स्टेम के अंदर होती है। प्यूपल पीरियड 5-12 दिन का होता है जिससे फुली ग्रोन एडल्ट बाहर निकलता है, जिसके येलो कलर के फोर विंग्स और वाइट कलर के हाइंड विंग्स होते हैं। फोर विंग पर एक सेंट्रल ब्लैक स्पॉट होता है और ये 1.3-1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। 1 ईयर में इनकी 2-3 जनरेशन होती है। कंट्रोल, रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड सीडलिंग्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्मासेस, कलेक्शन ऑफ एडल्ट मॉस बाय लाइट एंड फेरोमोन ट्रैप्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक कार्बारिल लिंडेन, कार्बारिल लिंडेन मिक्सचर ग्रैन्यूल्स, फोरेट ग्रैन्यूल्स, मेथिल पैराथियन एंड फॉस्फोमिडॉन, यूज ऑफ हाइमेनोप्टेरन पैरासाइट्स लाइक ट्राइकोग्रामा ऑन लार्वा एंड प्यूपा। सेकेंड पेस्ट है राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोप्टेरा मॉरिशिया। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली है नॉक्टिडी। होस्ट है बिसाइड्स पैडी ज्वार एंड ग्रासेस ऑफ अनकल्टिवेटेड एरिया। ये प्लांट की लीफ और शूट को खाते हैं। ये क्रॉप पर फ्लावरिंग स्टेज में अटैक करते हैं। ये मोस्टली नाइट के समय फीड करते हैं। डे टाइम में ये सॉइल में छिप जाते हैं। इसमें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मीन्स लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें फीमेल पैडी और ग्रासेस के लीफ की लोअर सरफेस पर 200-300 एग्स देती हैं, जो येलो कलर के हेयर से कवर्ड होते हैं। एक फीमेल 5-6 दिन में 500-2000 एग्स देती हैं। 2-8 दिन बाद इनक्यूबेट होकर के इससे कैटरपिलर निकलते हैं। लार्वल पीरियड
2 से 4 वीक्स का होता है। फुली ग्रोन कैटरपिलर 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डार्क ग्रीन कलर की बॉडी होती है और डॉर्सल साइड में वाइट कलर की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप होती है। इसमें 6 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। अब प्यूपेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ककून का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस सॉइल में होती है। प्यूपेशन पीरियड 10 से 12 दिन का होता है। अब ककून से एडल्ट मॉथ बाहर निकलता है जिसकी बॉडी कलर ग्रे होता है और विंग्स डार्क ग्रे और वाइट होते हैं जिस पर ब्लैक स्पॉट होता है। 1 ईयर में इनकी 2 से भी ज़्यादा जनरेशन होती है। कंट्रोल, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्मासेस मेकिंग अ डीप ट्रेंच अराउंड द फील्ड्स एंड फिलिंग विद कैरोसिनाइज्ड वाटर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक BHC, कार्वारिल और मेथिल पैराथियन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइमेनोटेरन पैरासाइट्स एंड निमेटोड पैरासाइट्स। थर्ड पेस्ट है पेडीगाल फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्सेलिया ओराइजी। ऑर्डर है डिप्टेरा। फैमिली है सेसिडोमाइडी एंड होस्ट है बिसाइड्स पैडी ग्रासेस एंड वाइल्ड राइस वेराइटीज। इसका जो लार्वा होता है उसे मैगट कहते हैं। ये लार्वा ग्रो कर रहे शूट के बेस पर फीड करते हैं जिससे उनमें ट्यूब लाइक गाल मीन्स ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मीन्स लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें फीमेल लीफ की लोअर सरफेस पर 150 से 260 एग्स देती है जिससे 3 से 5 दिन बाद इनक्यूबेट होकर के मैगट निकलते हैं। लार्वल पीरियड 8 से 10 दिन का होता है। फुली ग्रोन मैगट 3 mm लॉन्ग होता है। अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है। प्यूपा ब्राउन कलर का होता है। प्यूपेशन पीरियड 4 से 8 दिन का होता है जिससे एडल्ट फ्लाई एमर्ज होती हैं। फीमेल रेड कलर की और ब्राइट रेड एब्डोमेन होता है। मेल ग्रे कलर का होता है और केवल 3 से 5 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है। ये मॉस्किटो के जैसे दिखाई देते हैं जिनके बड़े बड़े सिलेंड्रिकल लेग्स होते हैं। विंग्स हेयरी होते हैं और एंटीनी बीडेड होती है। टोटल लाइफ साइकिल इनकी 2 से 3 वीक्स की होती है। कंट्रोल, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर शूट्स, रिमूवल ऑफ ग्रास वीड्स एंड वाइल्ड पैडी, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स, यूज ऑफ 4-8 ग्रैन्यूल्स इन नर्सरीज, स्प्रे ऑफ 0.03% कार्बारिल, फॉस्फोमिडॉन और डाइमेथोएट, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइमेनोप्टेरन पैरासाइट्स लाइक प्लैटिगेस्टर ओराइजी। फोर्थ पेस्ट है स्पॉटेड ग्रीन लीफ होपर, इसका साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक्स विल्सेंस। ऑर्डर है हेमिप्टेरा। फैमिली है सिसेडिलिडी और होस्ट है राइस एंड ग्रासेस। इसके निम्फ और एडल्ट ग्रीन लीफ से प्लांट सैप को सक करते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में पूरा प्लांट सूख जाता है। ये प्लांट्स में वायरस ट्रांसमिट कर देते हैं जिससे प्लांट में फैटल डिसीज हो जाती है। इसमें हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मीन्स लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। इसमें फीमेल लीफ की पैरेन्काइमा टिश्यू में अपना ओविपोजिटर इंसर्ट कर देती है
और 25 से 34 एग्स देती है। अपनी पूरी लाइफ साइकिल में फीमेल 100 से 300 एग्स देती है। 30 से 34 दिन बाद इनक्यूबेट होकर के इससे निम्फ निकलते हैं। इसमें 5 निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं। निम्फल पीरियड 13 से 21 दिन का होता है। ये निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट लगभग 5 mm के और ग्रीन कलर के होते हैं और फॉर्मिंग पर 2 ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। एडल्ट का लाइफ स्पैन 1 मंथ का होता है। टोटल लाइफ साइकिल 47 से 57 डेज की होती है। 1 ईयर में इनकी बहुत सी जनरेशन होती है। कंट्रोल, मास कलेक्शन एंड किलिंग बाय लाइट ट्रैप्स, अवॉइड समर पैडी कल्टीवेशन, स्प्रे विद 5% पैराथियन और डस्टिंग विद 5-10% BHC, यूज ऑफ पैरासाइट्स लाइक वेस्ट वुडेला एंड ओलिगोस्टा नेफोटेटिकम विच डिस्ट्रॉय एग्स। फिफ्थ पेस्ट है राइस हिस्पा। इसका साइंटिफिक नेम है डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा। ऑर्डर है कॉलियोप्टेरा। फैमिली है क्राइसोमेलिडी। होस्ट है पैडी एंड ग्रासेस। इसके लार्वा को ग्रब कहते हैं। ये लीफ के इंटरनल टिश्यूज पर फीड करते हैं। ये लगभग 60-70% क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। इसमें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मींस इसके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें फीमेल लीफ के इंटरनल टिश्यू में 50 से 300 एग्स देती है, जिससे 3 से 5 दिन बाद इनक्यूबेट होकर के लार्वा यानी ग्रब्स निकलते हैं। ये लार्वा लीफ में टनल बना लेते हैं और इंटरनल टिश्यूज पर फीड करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इनमें 6 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वल पीरियड 15 से 16 दिन का होता है। अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है जो कि लीफ के अंदर होती है। प्यूपल पीरियड 3 से 6 दिन का होता है, जिससे एडल्ट बाहर निकलता है। एडल्ट स्मॉल ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है। बॉडी पर स्पाइंस होते हैं। बॉडी स्क्वायर शेप की होती है और 0.5 mm लॉन्ग होती है। इनका टोटल लाइफ स्पैन 15 से 25 दिन का होता है। पर ईयर इनकी 6 जनरेशन होती है। एडल्ट 80 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। कंट्रोल, कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इन्फेस्टेड लीव्स, क्लिपिंग द लीफ ट्रिप्स ऑफ सीडलिंग्स टू किल एग मासेस, एप्लीकेशन ऑफ 0.05% मेथिल पैराथियन, फेनिट्रोथियन एंडोसल्फान एज स्प्रे एट अर्ली ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।